स्वर कोकिला के नाम से मशहूर संगीतकार लता मंगेशकर की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है। वो फेफड़ों के गंभीर इन्फेक्शन से जूझ रही हैं। हालांकि उनकी तबीयत में अब पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। खबरों के मुताबिक उनकी भतीजी रचना शाह ने लता मंगेशकर की हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स दी हैं। लता मंगेशकर की भतीजी रचना शाह ने कहा कि वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रही हैं। हम बहुत खुश हैं। और अब रचना से लता मंगेशकर के डिस्चार्ज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज अभी महत्वपूर्ण नहीं है, जो ज़रूरी है वो है उनकी हेल्थ। बता दें कि लता मंगेशकर की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है। लता मंगेशकर के हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक सलामती की दुआ करने लगे। तमाम सेलेब्स ने लता की जल्द सलामती के लिए प्रार्थना की थी। गौरतलब है कि भारत में सबसे सम्मानित पार्श्व गायकों में से एक लता मंगेशकर ने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में संगीत गाए हैं और अकेले हिंदी में उन्होंने 1000 से अधिक गीतों में अपनी आवाज़ दी है। उन्हें साल 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.